बेगम जी ने घर बनाई KFC प्लस चेक कराओ विच KFC ओहो KFC की बकेट में चिप्स। ये जो मिराज और मैं हम दोनों मिलके खाएंगे ठीक है। चलो छुप जा छुप जा छुप जा छुप जा छुप जा। ए चा ए चा। गर्मी बाहर बहुत ज्यादा, तो मैं इस टाइम जा रहा हूँ मिराज का जनरल टेस्ट करवाने, मंथ के लास्ट में ना चेकअप करवाना लाजमी बच्चे का। अपने पुत्र का चेकअप करवाने आ गया हूँ, पर्ची मैंने ले लिया और कह रहे 6 नंबर पे जाओ, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपका पुत्र एकदम सेट है या नहीं। मैं तो भाई सेट नहीं, बहुत सेट लगता। क्या कह रहे डॉक्टर? डॉक्टर ने कहा इसका विटामिन डी का टेस्ट होगा। आपको अच्छा लग रहा मिराज? मिराज का चेकअप करवाया, डॉक्टर कह रहे हैं कि भाई उसका सैंपल लेना ब्लड टेस्ट। मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती कि छोटे से बच्चे का ब्लड टेस्ट लेना है। उन्होंने टेस्ट लिख दिया, अब मैं जैसे इंजेक्शन और ये एक निडल लेने आया था। हाय हाय हाय, मिराज को इंजेक्शन लगेगा, ये 6 माह के बच्चे को इंजेक्शन, उसका ब्लड निकलेगा। अजीब लग रहा है कि मिराज को इंजेक्शन लगेगा। अब उसका टेस्ट भी है, अब जनरल टेस्ट है जो मंथ बाद होता है, वो तो लाजम है। और यही हॉस्पिटल है जहाँ पे मोहम्मद मिराज पैदा हुआ था। चलो करवाते हैं उसका टेस्ट, इंशाल्लाह सब बेहतर आए और जो भी हो बेहतर हो। मिराज अंदर गया अपनी मम्मा के साथ इंजेक्शन लगवाने और मैं इधर वेट कर। मुझे नहीं पता कि भाई वो 10 या 5 मिनट तक बाहर आएगा, जब भी आएगा मुझे लगता है क्वैं क्वैं करके आएगा। तो हाँ है खून आंसू वाले मेरे बेटे, तो इंजेक्शन जोर से डालते हैं, ब्लड लिया इतना ज्यादा खून मेरे बेटे तक ले लिया और ने बेटे तक जोर से निकाल दिया। क्यों मिले बेटे तो हो निकाल दिया, बड़ा रिलैक्स लेटा हुआ था, उनसे बातें शाते कर रहा था। जब इंजेक्शन लगाना तब कहता मैं दिखाओ। ओ मेरे बेटे तो इतने ज्यादा थूने डाल दिया, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला इसको सेहत दे और ये टेस्ट कराना भी लाजमी है। और इस डिपार्टमेंट से मोहम्मद मिराज बाहर निकला था, यहाँ से ये वार्ड था, यहाँ मैं अंदर गया था देखने इसको। मिराज का टेस्ट करवा लिए लेकिन ये इसकी रिपोर्ट है ना वो 2 दिन बाद मिलेगी। कोई नहीं, 2 दिन बाद दोबारा आएंगे तो इसकी टेस्ट देख लेंगे क्या क्या इसकी रिपोर्ट है। तो उधर सबमिशन होनी है, सबमिशन करवा के हम जाते हैं समोसे खाने। इधर की कंटीन के ना मुझे ये समोसे बड़े पसंद है। मैं जब मिराज को जब भी इधर चेकअप करवाने आता था तो मैं जो ये वाले समोसे हैं हमेशा मैं लाजम खाता था, क्योंकि जो उसका टेस्ट है ना कमाल, ज़बरदस्त। अब भाई फटाफट से निकलते हैं घर, मिराज का चेकअप सारा हो गया। मिराज साहब नींद रहे आप? मुंह पे हाथ रखता बगैर था, सियाना बच्चा। माशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, पर बन रहे हैं। टाइले मैं ले आया था जो यहाँ पे लगने फ्रंट पे पत्थर लग गया, लेकिन अब इधर नीचे टाइल्स लगेंगे, जैसे नीचे लाइंस नहीं है एक चढ़ी देख के ये टाइल्स यहाँ लगेंगे और माशाल्लाह पत्थर फंटेस्टिक लग रहा। चाउचू के लिए काउंटर बनवाना था चिप्स के लिए, तो वो भाई बनवा लिए, लेकिन इसके अंदर लगना चूल्हा और चूल्हा हमारे पास है नहीं, लेकिन हमारे पास देशकी। अब देशकी के लिए साइज निकालना है, साइज के लिए भाई देशकी तो आ गई है, लेकिन इसके नीचे जो बंडर रखना ना वो बंडर हमारे पास नहीं, तो बंडर मैंने ले लिया। सही हो गया, एक बंडर ये ले आया और जो दूसरा बंडर है और ये पड़ा हुआ, एक ये बंडर और एक ये बंडर, ये चाय के लिए और ये चिप्स वगैरह के लिए। चलो और इंशाल्लाह कल तक इंशाल्लाह रेडी हो जाएगा, तो इंशाल्लाह अंकल से ये ले जाएंगे। भाई अपने घर का जो पत्थर था ना वो टूट गया था, जो कि हमारे कसाई ने तोड़ दिया था, अपनी मुंडी रख के जो वो गड़ाई वाला गोश्त बना रहा था ना, तब उससे ये वाला पत्थर टूट गया था। 3 हफ्तों से लगातार उसे मैं कह रहा हूँ भाई ये पत्थर लगा दे, आ जा रहा हूँ कल आ रहा हूँ आ जा रहा हूँ। इससे नसीब मिली है कि भाई जो काम आप खुद करवा सकते हैं वो क्यों नहीं करवा सकते, और भाई ये मैंने खुद ही करवाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब इसे घर जाके लगाते हैं और देखते हैं कैसा लगता है। माशाल्लाह रात का टाइम है और जवान अभी तक पत्थर लगा है, रात के 10 बज रहे हैं भाई लगे हमें पत्थर लगाना, यहाँ भी लग गया पीछे भी लग गया वो भी सारा पत्थर लग गया, माशाल्लाह खूबसूरत हो गया। माशाल्लाह जो हमारे पौधे हैं वो भी एकदम सेट हैं, गोटी मैंने सारी कर दी ताकि ये फिट रहें। अब इन्हें पानी लगा देते हैं, देखिए किसी ने कैंची से काट दिया। दी नेक्स्ट डे गुड मॉर्निंग, ये व्लॉग उसी के स्टार्ट है। सुबह सुबह का मौसम है और माशाल्लाह मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त हुआ, बारिश वाला मौसम हुआ और हमारे पौधे एकदम फ्रेश। कल मैंने इसकी गोटी कर दी थी और पानी भी लगा दिया था, आज इंशाल्लाह इसके बाद खाद भी डाल दूंगा ताकि ये ना फ्रेश रहा बेहतरीन रहे। और सब लोग ना इसको, इतने भी लोग हैं ना इसको खाद लगा के जाते हैं, वो समझते हैं ये आर्टिफिशियल है यार, इसका कलर इतना को प्यारा है, इतना को प्यारा है, ये डार्क ग्रीन फिर लाइट ग्रीन, फिर इसके अंदर जो पल्स है ना
ये लगता है फ्लावर है, लेकिन अब मुझे पता नहीं कि ये फ्लावर। अब मैं सुबह सुबह उठ तो गया हूँ, तो मैं करूँ यार एक काम ही कर देते जी, जितना भी है ना बाहर से फ्रंट सारा साफ कर देते, सारा एक जस्प कर देते हैं, चमका देते हैं। चलो जी आज सुबह सुबह यही काम से। पार्ट टाइम हम मजदूरी भी करते हैं, इसको तोड़ना है क्योंकि ये पत्थर सारा टूट गया था। अब इसको उतार के ये वाला लगाना जो मैं कल लेके आया था, तो भाई इसको तोड़ते हैं। इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद फाइनली पत्थर भी लग गया। मैं बैटरी यहाँ से लेने आया था। बैटरी मैं क्यों लेने आया था मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि भाई ये मेरी बैटरी ना टैबो वाली ये हो गई है ख़राब, और इसके तबादले में ना मैंने लिया एक साइड, कम से कम एक साल पहले मैंने लिया था, शादी जब मेरी होनी थी ना तब मैंने ली थी। अब ये ख़राब हो गया, तो उसके तबादले में ना मैंने ये वाली ली। तो आज का व्लॉग ये एंड करते हैं। अगर आप सबको ये व्लॉग अच्छा लगे तो उसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें एंड शेयर करें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। क्यारी तैयार हो गई है, अब इसमें डालेंगे मिट्टी, मिट्टी भी लेंगे, पौधे भी लेंगे, वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे कि इस पे कौन से पौधे लगाने हैं। मेरा दिल है क्या ऐसे लगाएं, क्योंकि इसकी जो कटिंग है ना वो मजे की होनी है। तो देखते हैं इस पे क्या करते हैं।